हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू फोर हैंड्स एजुकेशन सिस्टम। एंड रियली ट्रस्ट मी, आज के सेशन को स्टार्ट करना अपने आप में महाभारत था। दो सिस्टम गड़बड़ हुए। ओह लो, अभी भी आवाज बेकार ही। ओके मालिक, समझ गए समझ गए। महाभारत ही चालू कर दी इसने तो। यस प्लीज कंफर्म, एम आई ऑडिबल और नॉट? क्या सभी को वॉइस आ रही है? हो सकता है स्क्रीन कटी पटी दिखे, काफी सारी प्रॉब्लम दिखे। ठीक है, दैट इज बिकॉज कि सिस्टम ही, मतलब जो सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ था, सिस्टम ही बूम, किसी और से अपन ने सिस्टम बोरो किया है एंड एंड मूवमेंट पे सिस्टम बंद हुआ है। ओके दैट्स ग्रेट। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल ऑफ फोर हैंड्स। एंड वन थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू मैंशन, आई एम ऑल्सो फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी अकेडमी। येस आई एम फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी अकेडमी। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सी एस आई आर नेट, यू कैन कम टू अस। वी हैव ऑनलाइन कोर्सेस, मल्टीपल ऑनलाइन कोर्सेस, यू येस सो यू कैन कम। एंड दिस ऑन दिस चैनल वी विल डिस्कस अबाउट द सब्जेक्ट अगेन। ओके, सब्जेक्ट के बारे में ही हम चीजों को समझेंगे। ठीक है, सो जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो सेशन था डेवलपमेंटल बायोलॉजी का, इसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो जो मॉर्निंग में भी प्रॉब्लम आ रही थी, एंड वो प्रॉब्लम्स अभी शायद ना आए, मैं कोशिश यही करूंगा। ओके, सो मैं जो टॉपिक चला रहा था उसको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट अप करूंगा। हमारा बेसिक्स पार्ट वन, बेसिक्स पार्ट वन कंप्लीट हो गया था एंड वी हैव स्टार्टेड अबाउट बेसिक पार्ट टू। यस क्लियर है भाई, बेसिक पार्ट टू। हो सकता है कैमरा कट्टा पिटा दिख रहा हो, बट यू हैव टू एडजस्ट विद मी, राइट? ओके, सो बेसिक पार्ट टू की अगर हम बात करें तो यहां पे अपन को जो चीजें पढ़नी है वो मैं मेंशन कर देता हूं। अपन को पढ़ना है योग के बारे में, क्लीवेज के बारे में, मॉलुला के बारे में, ब्लास्टुला के बारे में एंड गैस्टुला के बारे में। ये कुछ टॉपिक है जिनको अपन को डिस्कस करना है, राइट? दीज आर फ्यू टॉपिक्स दैट वी हैव टू कवर अप। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। ओके, मैं यहां पे ऐसा करता हूं कि प्रीवियस उसको इंपोर्ट ही कर लेता हूं, क्योंकि काफी सारी चीजें हमने प्रीवियस कवर की हुई थी, राइट? है ना, प्रीवियस सेशन में काफी सारी चीजें अपन ने कवर की हुई है। ओके, सो ये सेशन था अपना प्रीवियस जो मॉर्निंग में हुआ है, उसी को मैंने कंटिन्यू किया इस सेशन को, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें मैंने आपको डिलीवर की हुई थी। यस, सो हमको स्टार्ट करना था योग वाले पार्ट से। ठीक है, सो ध्यान से समझते हैं चीजों को। योग की अगर हम बात करें तो व्हाट इज योग? इट इज रिजर्व फूड। योग क्या है भाई? रिजर्व फूड है और ये रिच है लिपिड और प्रोटीन में। प्रोटीन और लिपिड रिच कंडीशन होती है यहाँ पे। विटलेनोजेनेसिस की प्रोसेस से आप देखते हैं, विटलेनोजेनेसिस की प्रोसेस से आप देखते हैं किसकी सिंथेसिस स्टार्ट होती है। इज इट क्लियर? द प्रोसेस बाय विच योग फॉर्मेशन अकर इज कॉल्ड विटलेनो जेनेसिस। विटलेनोजेनेसिस इसे मेंशन करते हैं। विटलेनोजेनेसिस बोले तो प्रोसेस ऑफ योग फॉर्मेशन। ठीक है, ध्यान से समझते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एग, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एग ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिटर्मिनेंट नेचर, दैट इज ऑफ टू टाइप। ये दो टाइप का आपको मिलेगा कि कुछ एम टाइप के मिलेंगे और कुछ सी डी आर टाइप के मिलेंगे। हेलो मंजू, हेलो डियर, गुड इवनिंग प्यारे बच्चे। देखो, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया ना, वो मैं ट्राई करूंगा कि फुलफिल हो, इसीलिए क्लास चल रही है। रियलिटी बता रहा हूं, ये क्लास इसीलिए चल रही है क्योंकि मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया है और उसी को मुझे कंप्लीट अप करना है। ठीक है, ध्यान से देखिए चीजों को कि अपन एम टाइप के नेचर को क्या मेंशन करेंगे और सीडीआर टाइप के नेचर को क्या मेंशन करेंगे, इस पे समझ लेते हैं चीजों को। ठीक है, इस पे समझ लेते हैं। आपको पता है कि एग के अंदर दो ही चीजें मिलेंगी, एक तो योग मिलेगा और रेस्ट पार्ट में क्या मिलेगा? साइटोप्लाज्म मिलेगा। योग मिलेगा और साइटोप्लाज्म मिलेगा, राइट? योग एंड साइटोप्लाज्म, क्या क्या दो चीजें मिलने वाली? योग एंड साइटोप्लाज्म। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस योग वी आर गोइंग टू कैटेगराइज एग, वी आर गोइंग टू कैटेगराइज एग। सेशन को सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल एंड सीइंग दिस वीडियो फर्स्ट टाइम। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग आप मेंशन करते हो देयर आर थ्री टाइप ऑफ एग, माइक्रोलेसिटल,
मीजोलेसिथल एंड लास्ट वन आर मेगालेसिथल। ओके सो एग के तीन टाइप है, सॉरी एग को हमने कई सारे टाइप्स पे डिवाइड कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यू कि अमाउंट कितना है। अगर अमाउंट थोड़ा सा है तो माइक्रो, थोड़ा सा है माइक्रो, थोड़ा ज्यादा है मीजो, बहुत ज्यादा है मेगा। तीन कंडीशन है यहाँ पे, तीन कंडीशन है यहाँ पे कि अमाउंट ऑफ यू अगर कम है माइक्रो, थोड़ा ज्यादा है मीजो और काफी ज्यादा है तो इसको अपन मेगा कंडीशन शो करेंगे। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ योग माइक्रोलेसिथल कंडीशन, मॉडरेट अमाउंट मीजोलेसिथल कंडीशन एंड मोर देन हाफ पार्ट इज मेगालेसिथल कंडीशन। इसके एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जांपल ही ध्यान रखने। देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे योग का अमाउंट बहुत कम है, थोड़ा है, तो ये केस माइक्रो का होगा। इसमें एग्जाम्पल है एम्फियोक्सिस, सी अर्चिन एंड मैमल्स। यहाँ पे आप एम्फीबियंस को मेंशन करोगे, यहाँ पे रेप्टाइल बर्ड्स और फिशेस को मेंशन करोगे। इज इट क्लियर? यहाँ पे हम रेप्टाइल बर्ड और फिश को भी बात करेंगे मेगालेसिथल में। सो दिस अमाउंट ऑफ योग, अगेन मैं मेंशन कर देता हूँ, एग्जाम ही आप एग्जाम में आपको क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं कि सेशन के एंड में आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। चलिए अब मुझे आप बताइए आइसोलेसिथल एग के एग्जाम्पल क्या है, जल्दी से आंसर कीजिए। देखिए आइसोलेसिथल कंडीशन, टीलोलेसिथल कंडीशन और सेंट्रोलेसिथल, ये तीनों जो कंडीशन है, ये तीनों जो कंडीशन है, ये ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग काम करेंगे कि योग का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है। योग अगर बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है देन आइसोलेसिथल कंडीशन, योग अगर एंड पे डिस्ट्रीब्यूटेड है टीलोलेसिथल कंडीशन, योग अगर सेंटर में है सेंट्रोलेसिथल कंडीशन। इज इट क्लियर? वेरी गुड। अब आगे समझते हैं इसी बात को कि अगर आइसोलेसिथल कंडीशन है तो आइसोलेसिथल कंडीशन आपको मोस्टली माइक्रोलेसिथल टाइप ऑफ एग में देखने को मिलेगी, ठीक है? माइक्रोलेसिथल कंडीशन आपको कहां पे शो होगी? आइसोलेसिथल के ही केस में। और इसके एग्जांपल भी सेम चलेगी, एग्जांपल ध्यान रखना है सी अर्चिन एम्फियोक्सिस एंड मैमल्स, यही तीन इसके एग्जांपल है। आगे देखिए मीजोलेसिथल एग की अगर हम बात करें तो मीजोलेसिथल एग आपको मिलेगा एम्फीबियंस में, आपने अभी पढ़ाई था मीजो वाली कंडीशन। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, टीलोलेसिथल, टीलोलेसिथल मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग कहाँ पे, एंड पे, टीलो का मतलब एंड है, तो मीजो टीलो की कंडीशन हो सकती है या फिर मेगा टीलो की कंडीशन हो सकती है, ठीक है? मीजो टीलो की कंडीशन हो सकती है या फिर मेगा टीलो की कंडीशन हो सकती है। मीजो टीलो मतलब मीजोलेसिथल टाइप ऑफ है, और जैसा कि आप देखते हो एम्फीबियंस में, और वो एक एंड पे रहता है ना, सो ये कंडीशन क्या जाती है, मीजो टीलो। इसको बोलते हैं मेगा टीलो कंडीशन। मेगा टीलो में क्या होगा, मेगालेसिथल टाइप ऑफ एग है, योग एंड पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। रेप्टाइल बर्ड एंड फिश अगेन सेम एग्जांपल है, ठीक है? सेंट्रोलेसिथल की बात करें तो सेंट्रोलेसिथल में आप क्या देखोगे, योग का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में है, योग का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में है, ठीक है? अगली बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ शेल। शेल मतलब आपने देखा होगा अंडे के चारों तरफ एक कवरिंग रहती है, राइट? अंडे के चारों तरफ आपको क्या मिलेगी, एक कवरिंग देखने को मिलेगी। अंडे के चारों तरफ जो कवरिंग देखने को मिलेगी, जो आप याद है ना, है ना, अंडा पकड़ा, याद है वो चिकन एग आमलेट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट ऐसे पकड़ा फोड़ा, तो जो फोड़ते हैं दैट इज शेल, है ना? वही क्या, वही इसकी सेल होती है। तो अगर कुछ एग ऐसे होंगे जिनमें वो प्रेजेंट है सेल, तो उसको बोलेंगे क्लीडोइक एग। एग्जाम्पल रेप्टाइल और बर्ड में कंडीशन मिलेगी। नॉन क्लीडोइक जहां पे कैल्शियम कार्बोनेट की वो सेल नहीं है, जितने भी रेप्टाइल और बर्ड को छोड़ के आप एग्जाम्पल मेंशन करोगे, दे ऑल कम्स अंडर नॉन क्लीडोइक कंडीशन। इज इट क्लियर? ग्रेट। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंटल पैटर्न हम मेंशन करते हैं कि कंडीशनल डिपेंडेंट रेगुलेटेड होंगे, ऑटोनॉमस इंडिपेंडेंट मोजैक होंगे। इस बात को समझ लेते हैं क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंडीशनल डिपेंडेंट रेगुलेटेड का मतलब क्या है, कंडीशनल डिपेंडेंट रेगुलेटेड का मतलब क्या है, और ऑटोनॉमस इंडिपेंडेंट मोजैक का मतलब क्या है, ये बात अभी हमको समझनी है। ओके तो समझते हैं कंडीशनल डिपेंडेंट रेगुलेटेड, बस इतनी सी लाइन समझ लो और इसी से आपका पूरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। कंडीशनल का मतलब कि जिस कंडीशन में रखोगे उस अकॉर्डिंग डिसाइड होगी उसकी मॉर्फोलॉजी। एम टाइप का मतलब है उसको पता है कि किस टाइप में डिफरेंशिएट होना है। इज इट क्लियर? द सेल दैट नो इट्स फेट, कि उसको पता है कि मसल सेल्स में बनना है तो मसल सेल्स में ही बन लेगी। दिस इज केस ऑफ एम टाइप। सीडीआर टाइप क्या, आप उसको कंडीशन देते जाओ उसी अकॉर्डिंग वो डिफरेंशिएट हो जाएगी, बस इतनी सी बात है। आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें भी आप चीजों को समझेंगे बेटर वे में। ओके नाउ हम आएंगे क्लीवेज पे, तो क्लीवेज की बात करें, व्हाट इज क्लीवेज? क्लीवेज बोले तो अर्ली एम्ब्रियोनिक डिवीजन, अर्ली एम्ब्रियोनिक डिवीजन को अपन क्लीवेज बोलते हैं। स्टार्टिंग जो डिवीजन है उनको आप क्या बोल रहे हो, क्लीवेज बोल रहे हो, राइट? ओके सो अर्ली एम्ब्रियोनिक डिवीजन को अपन बोल रहे हैं क्लीवेज। इसके
इसको अपन क्लीवेज बोल रहे हैं, और क्लीवेज के तीन टाइप है, होलोब्लास्टिक जब भी डिवीजन होगा तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, मीरोब्लास्टिक जब भी डिवीजन होगा तो एक एंड पे होगा, डिस्क बनेगी, इसको डिस्कोब्लास्टिक भी बोलते हैं, उसको कॉल्ड डिस्कोब्लास्टिक। लास्ट वन आर सुपरफिशियल। सुपरफिशियल में आप क्या देखोगे, इंसेक्ट का केस देखने को मिलेगा, सुपरफिशियल में आपको इंसेक्ट का केस देखने को मिलेगा। हेलो डियर, सुपरफिशियल में आपको इंसेक्ट का केस देखने को मिलेगा, और यहां पे आप क्या देखोगे कि जो सेल्स हैं वो पेरिफेरी पे आपको देखने को मिलेगी। 13th डिवीजन तक कोई भी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं होता, सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन होता है। 13th डिवीजन के बाद आप अगला डिवीजन क्या मेंशन करते हो कि साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी होगा, सही बात है, न्यूक्लियर डिवीजन के बाद साथ साथ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। सो ये तीन टाइप ऑफ क्लीवेज आप मेंशन करते हो, होलोब्लास्टिक, पीरोब्लास्टिक, सुपरफिशियल। होलोब्लास्टिक में आप दो कंडीशन जो करोगे, इक्वल जब डिवाइड होगा तो बराबर सेल बनेगी, है ना, दो बराबर की सेल बनेगी, और सुपरफिशियल में एक एंड पे डिवीजन होता जाएगा, दूसरे योग वाले पार्ट में डिवीजन, सॉरी एक एंड पे डिवीजन बहुत तेजी से होगा, जबकि योग वाले पार्ट में डिवीजन धीरे होगा, जैसा कि आप एम्फीबियंस में देखते हो। एग्जांपल याद रखो, एग्जांपल इसका है एम्फीबियंस, क्योंकि एग्जांपल सी अभी आपको पूछे जाएंगे। आइसो के वही सी अर्चिन, एम्फीऑक्सिस, एंड फाइनली आप देखोगे सुपरफिशियल में आप इंसेक्ट्स को मेंशन करते हो। इसमें आप किसको मेंशन करोगे? इंसेक्ट्स को मेंशन करोगे। इज इट क्लियर? क्या एग्जांपल क्लियर है भाई सभी के? जल्दी से आप मुझे आंसर करो इफ देयर इज एनी डाउट। चलिए भाई, चलिए बताइए, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, दैट्स ग्रेट। नाउ लुक, आगे बढ़ते हैं, पैटर्न ऑफ क्लीवेज की बात आती है। यस सर, क्लियर है, वेरी गुड मंजू। ओके ओके ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। देन देखिए, पैटर्न ऑफ क्लीवेज की जब भी हम बात करेंगे, व्हेन वी टॉक अबाउट पैटर्न ऑफ क्लीवेज, देन यू विल फाइंड कि रेडियल पैटर्न मिलेगा, रोटेशनल पैटर्न मिलेगा, स्पाइरल मिलेगा और बाइलेटरल मिलेगी। कंडीशन समझ लेते हैं। रेडियल में आप क्या देखेंगे कि जब भी डिवीजन होगा, जैसे मान लो रेडियल में डिवीजन हो रहा है, पहला डिवीजन ऊपर से नीचे की तरफ होगा, ठीक है, इसको मेरिडोनियल कंडीशन बोलेंगे। दूसरे डिवीजन में भी आप मेरिडोनियल कंडीशन देखोगे, मेरिडोनियल फोर सेल स्टेज आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद जो डिवीजन होगा वो इक्विटोरियल होगा, ठीक है, इक्विटोरियल। सो आप क्या देखेंगे, कंडीशन क्या होगी, मेरिडोनियल, मेरिडोनियल, इक्विटोरियल, दिस इज केस ऑफ रेडियल, दिस इज केस ऑफ रेडियल कंडीशन, ओके, दिस इज केस ऑफ रेडियल। आपको जो चीज ध्यान रखनी है, रेडियल किस में मिल रहा है, याद करने की ट्रिक है, बासा, BASA, बर्ड, एम्फीबियन, सी अर्चिन, एम्फीऑक्सिस। रोटेशनल को याद करने की ट्रिक है, रमन, RMN, रोटेशनल, मैमल्स एंड निमेटोड, मैमल्स एंड निमेटोड्स। स्पाइरल को याद करने की ट्रिक है, स्पाइरल को याद करने की ट्रिक है, सेम 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 का मतलब स्पाइरल, देखो सेम है, SAM है, सेम ऐसे लिखोगे, SAM फ्लैट, सेम में S मतलब स्पाइरल, एनलिडा मोलस्का फ्लैट बॉम, एनलिडा मोलस्का फ्लैट बॉम, और बाइलेटरल में आपको कंडीशन हार्डमानिया और ट्यूनिकेट्स में देखने को मिलेगी। इज इट क्लियर? ट्यूनिकेट्स और हार्डमानिया में कंडीशन देखने को आपको मिलेगी। ओके, दैट्स ग्रेट। चलिए अब हम आएंगे मोरुला पे। मोरुला की अगर हम बात करें तो मोरुला आफ्टर, जैसे जायगोट बना था, फर्टिलाइजेशन हो गया था, फर्टिलाइजेशन के बाद पहली स्टेज आपको देखने को मिली जायगोट, जायगोट में मल्टीपल डिवीजन हुए और आपने बोला क्लीवेज हो रहा है, क्लीवेज होने के बाद पहली जो स्टेबल स्टेज आई हुआ है मोरुला, ये आपको मोरुला देखने को मिलेगा, ठीक है। सॉलिड स्ट्रक्चर है एंड इसको अपन मेंशन करते हैं, ये क्या है भाई, 16 सेल स्टेज है,
एक है 16 सेल स्टेज है, इज इट क्लियर? 16 सेल स्टेज मोर ऑर लेस हैविंग सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर, नो फ्लूइड फिल्ड कैविटी। 16 टू 32 सेल स्टेज आप मेंशन करोगे, सीन इन आइसोलेसल एग एंड मेसोसेल एग बहुत इजीली यहां पे आपको क्लियरली देखने को मिलेगा, जबकि सेंट्रोलेसल टाइप ऑफ एग में ये नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे स्टार्टिंग के जो डिवीजन होते हैं वो क्या होते हैं, सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं होते हैं। फोर्थ डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन आप क्या बोलोगे भाई, मोरुला सेल ऑब्जर्व होगी, मोरुला सेल ऑब्जर्व होगी और सारी की सारी सेल क्या होंगी, टोटिपोटेंट इन नेचर होगी। ऑल सेल्स आर टोटिपोटेंट इन नेचर टिल 16 सेल स्टेज आप मेंशन करोगे, मैटरनल एमआरएनए यहां पे वर्क करते हैं, राइट? एंड आप मेंशन करोगे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस इनएक्टिवेट होती है और यहाँ पे ट्रांसलेशन एक्टिवेट होता है, मतलब एमआरएनए सिंथेसिस नहीं हो रही बट एमआरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस इजीली हो रही है। ओके, देन मोरुला के बाद आप देखते हो मोरुला से ब्लास्टुला सेल स्टेज आती है, ये 16 सेल स्टेज कन्वर्ट होती है 64 सेल स्टेज में, और ब्लास्टुला सेल स्टेज की प्रॉपर्टी है ब्लास्टोसील कैविटी, ब्लास्टोसील कैविटी आप एक ट्रांजिशन होता है मोरुला से ब्लास्टुला का, एक प्रॉपर ट्रांजिशन है, उसमें एक सीरीज ऑफ इवेंट होते हैं, मैं अभी इसको स्किप करूंगा पार्ट को, जब हम प्रॉपर क्लासेस डिस्कस करेंगे वहां पे जरूर ये चीज अवेलेबल रहेगी, राइट? अभी हम मोरुला से ब्लास्टुला के ट्रांजिशन को समझते हैं, मोरुला सॉलिड स्टेज है और उसके बाद ब्लास्टुला सेल स्टेज आ गया जिसमें फ्लूइड फिल्ड कैविटी आपको देखने को मिलेगी और 64 सेल स्टेज है, इज इट क्लियर? आगे देखते हैं ब्लास्टुला की बात करें तो ब्लास्टुला में ब्लास्टोसील कैविटी मिलेगी 64 to 128 सेल स्टेज मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशनल कंडीशन एक्टिव होंगी। फिफ्थ डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन ह्यूमंस के केस में स्पेशली फिफ्थ डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन आपको मोरुला सेल स्टेज मिलेगी और उसके बाद आपको सेवंथ डे पे आपको गैस्ट्रुला सेल स्टेज मिलेगी, ये सेवंथ डे होती है। फिफ्थ डे आपको मोरुला सेल स्टेज मिलेगी। सेल्स ऑब्टेन आफ्टर क्लीवेज ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रियोनिक टाइम कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। हाँ, ये एक बहुत सिंपल सी लाइन है कि जितने ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रियोनिक डिवीजन जब क्लीवेज हो रहा है तो जितनी भी सेल बन रही है उसको आप ब्लास्टोमियर बोल रहे हो। ब्लास्टोमियर का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि ब्लास्टुला सेल स्टेज की सेल्स, बिल्कुल भी नहीं। जायगोट के बाद टू सेल स्टेज आई, उन टू सेल्स को भी आप ब्लास्टोमियर वर्ड यूज कर सकते हो उनके लिए, ठीक है? इवन टू सेल स्टेज जो है उसको भी हम ब्लास्टोमियर मेंशन करेंगे। ह्यूमन ब्लास्टुला को अपन ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। इसके बाद आएंगे टाइप ऑफ ब्लास्टुला, डिफरेंट टाइप के ब्लास्टुला है मेंशन कर देता हूं, सीलो ब्लास्टुला, स्टीरियो ब्लास्टुला, पेरी ब्लास्टुला, एम्फी ब्लास्टुला, डिस्को ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट। अगेन द इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस कि इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं। सीलोब्लास्टुला का मतलब कैविटी प्रेजेंट है, यहाँ पे कैविटी जो प्रेजेंट होगी यहाँ पे आपके वही वाले एग्जांपल आएंगे जिनमें रेडियल पैटर्न ऑफ क्लीवेज था, सी अर्चिन, एम्फियोक्सिस, बासा वाले, है ना, यहाँ पे बासा वाले आएंगे, ठीक है? स्टीरियोब्लास्टुला में सॉलिड ब्लास्टुला है, सॉलिड स्टीरियो में आप स्पाइरल वाले क्लीवेज वाले याद रखो, स्पाइरल क्लीवेज जिसमें हो रहा था, स्पाइरल क्लीवेज जिसमें था सेम फ्लैट मतलब स्पाइरल एनेलिडा मोनस का फ्लैट फॉर्म। पेरिब्लास्टुला की बात करो, पेरिब्लास्टुला मतलब पेरिफ्री पे आपको सारी सेल्स मिलेगी और ये कंडीशन आपको इंसेक्ट में देखने को मिलती है, राइट, इंसेक्ट्स में। एम्फीब्लास्टुला, एम्फीबियन के ब्लास्टुला को बोलेंगे, ब्लास्टुला ऑफ एम्फीबियन। डिस्को ब्लास्टुला जहां पे ऊपर एक डिस्क से बनती थी, डिस्को वाली कंडीशन भी हमने मेंशन की थी रेप्टाइल बर्ड्स एंड फिश में, आरवीएफ में। एंड लास्ट ब्लास्टोसिस्ट, ह्यूमन ब्लास्टुला को आप ब्लास्टोसिस्ट बोल रहे हो, ठीक है? ब्लास्टुला के बाद अगली स्टेज आती है भाई गैस्ट्रुला, और गैस्ट्रुला के मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है मॉर्फोजेनिक मूवमेंट। मॉर्फोजेनिक मूवमेंट को अगर अभी आप मार्क करोगे, मॉर्फोजेनिक मूवमेंट्स आर मार्क बाय गैस्ट्रुला सेल स्टेज। यहाँ पे आप देखोगे ये मूवमेंट एक्सटर्नल हो सकते हैं, इंटरनल हो सकते हैं। एक्सटर्नल है तो एपिबोली बोलोगे, इंटरनल है तो एम्बोली बोलोगे। और इस स्टेज के बाद आप ब्लास्टोमियर सब यूज नहीं करोगे, इससे पहले ही आप इजीली ब्लास्टोमियर वर्ड यूज करते हो। एपिबोली बोले तो भाई आउटवर्ड मूवमेंट, एपिबोली बोले तो आउटवर्ड मूवमेंट, और इम्बोली बोले तो इनवर्ड मूवमेंट। तो ये इनवर्ड जो मूवमेंट है ना वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है। कौन कौन सा है भाई, कि देखो ये एपिबोली की इवेंट हो रही है, देखो आउटवर्ड सेल मूव कर रही है और इससे क्या बनती है, एपिडर्मिस बनती है, कीप इन माइंड, इससे एपिडर्मिस बनती है। ये है इनवर्ड मूवमेंट, इनवोल्यूशन, इसमें चार टाइप है, इनवेजिनेशन, इनवोल्यूशन, डिलेमिनेशन एंड इनवेजिनेशन। इनवेजिनेशन में आप देखते हो एलिमेंट्री कैनाल बनती है, याद रखना, और इंडोडर्मल सेल बनेगी, कीप इन माइंड। इनवेजिनेशन से इंटेस्टाइन बनेगी, एलिमेंट्री कैनाल बनेगी और इंडोडर्मल सेल बनेगी। इनवोल्यूशन से आपको मेसोडर्मल सेल बनेगी, यहाँ पे मेसोडर्मल सेल और एक कैविटी में मूवमेंट होता है। डिलेमिनेशन में नई एक लेयर क्रिएट हो जाएगी और इनग्रीशन में एक एक सेल आइसोलेट होके कैविटी में मूव करेगी।
दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट सेल मूवमेंट, दैट इज कॉल्ड इग्रीगेशन. तो दोस्तों यहाँ पे हमारा बेसिक पार्ट टू कंप्लीट होता है. अब आता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का पार्ट, क्वेश्चन कैसे सॉल्व आते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं सीएसआर नेट मैच पे. देखिए, कैपेसिटेशन ऑफ मैमेरियन स्पर्म अलाउ देम टू बी एक्टिवेट विद इन द यूट्रस एंड फैसिलिटेट फर्टिलाइजेशन. कैपेसिटेशन क्या करता है? फर्टिलाइजेशन को फैसिलिटेट करता है, फर्टिलाइजेशन को फैसिलिटेट करेगा. यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए कैपेसिटेशन रिगार्डिंग कि रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम स्पर्म हेड, क्या ये होता है? यस, ये बात होती है. रिमूवल ऑफ नॉन कोवेलेंटली बॉन्ड ग्लाइकोप्रोटीन, का नॉन कोवेलेंटली जो बॉन्ड ग्लाइकोप्रोटीन होती है Decrease per mobility of calcium ion, kya calcium ion ki permeability decrease ho jati hai, nahi, ye wala statement absolute incorrect hai. Yahan pe aap dekhenge ye statement bhi sahi hai, ye statement bhi sahi hai, kabhi bhi decrease permeability of calcium ion, calcium ion ki permeability to badh jati hai capacitation ka rate, capacitation ka rate to ki capacitation ki process jab hoti hai jab spermatozoa hota hai, proper process calcium ion ki entry hoti hai, permeability decrease nahi hoti, increase hoti hai, to ye capsule incorrect answer hai. Iska matlab c statement ekdam correct hai, sahi hai. Aage badhte hain agle question ki taraf, major function of cortical granulin cytoplasm of phagocytes. वहां पे क्या होती है? मेम्ब्रेन फ्यूजन होती है. क्या वहां पे एक्सोसाइटोसिस होती है? नहीं. क्या वहां फेगोसाइटोसिस होती है? नहीं. क्या वहां पे न्यूक्लिएशन होता है? नहीं. आंसर इज मेम्ब्रेन फ्यूजन. यहां पे मेम्ब्रेन फ्यूजन होता है. पहले स्पर्म हेड फ्यूज करता है एग के साथ, उसके बाद क्या होता है भाई, वो अंदर वाली लेयर के साथ भी फ्यूज करता है. अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं. डेवलप ड्यूरिंग डेवलपमेंट इफ अ सेल इज कमिटेड टू अ पर्टिकुलर फेट, अगर कोई सेल एक पर्टिकुलर फेट से कमिटेड है तो आप उसको क्या बोलोगे भाई? डिटरमाइंड कंडीशन बोलोगे, कि वो डिटरमाइंड है, राइट. नेक्स्ट आगे मूव करते हैं. सेल टू सेल कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट इन डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. द एबिलिटी ऑफ सेल टू रेस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक इंडक्टिव सिग्नल इज कॉल्ड कॉम्पिटेंस. इस प्रोसेस को ही पूरी डेफिनेशन को ही कॉम्पिटेंस बोलते हैं. ये कॉम्पिटेंस की डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है दोस्तों. ये डेफिनेशन किसकी लिखी हुई है? कॉम्पिटेंस की ही डेफिनेशन लिखी हुई है. कॉम्पिटेंस में आप देखिए क्या मेंशन है, कि भाई जब कोई सेल एक दूसरी सेल की को रेस्पॉन्ड कर रही है तो वह कहीं ना कॉम्पिटेंट है, कॉम्पिटेंट है, तभी वो रेस्पॉन्स कर भी पा रही है. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. सेंट्रल एसेसल एस शो, सेंट्रल एसेसल जो कंडीशन होते हैं, सेंट्रल एसेसल एग बोले तो कि इंसेक्ट की बात हो रही है, इंसेक्ट में क्लीवेज कौन सा होता है जल्दी से बताइए. 3-2-1 यस, सुपरफिशियल क्लीवेज यहाँ पे देखने को मिलेगा. क्या देखने को मिलेगा? सुपरफिशियल क्लीवेज. आगे बढ़ते हैं. एम्फीबियन जायगोट विल जनरली अंडरगो होलोब्लास्टिक इक्वल या अनइक्वल. होलोब्लास्टिक तो ठीक है, होलोब्लास्टिक तो होगा ही होगा, होलोब्लास्टिक होगा ही होगा, होलोब्लास्टिक चलता है. इक्वल होता है अनइक्वल होता है? वैसे होता है इक्वल है, बट यहाँ पर पूछ क्या रहा है? रेडियल या रोटेशनल? रोटेशनल सबको पता है कि किसमें होता है, मेंबर्स और नेमेटोड में. तो यहाँ पर कंडीशन आ जाएगी ए, रेडियल, रेडियल पैटर्न ऑफ क्लीवेज यहाँ पर रहता है. इज इट क्लियर? तो ये था दोस्तों आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन. यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं. बेसिक पार्ट वन, बेसिक पार्ट टू मैंने आपको बहुत ही क्रिस्प मैनर में समझा भी दिया, उसके क्वेश्चन भी करा दिया. और ये सारे क्वेश्चन आपके सीएसआईआर नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है. आपने देखा कि बेसिक क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं एंड आपने सॉल्व किए. इसी तरीके के सेशन आपको आगे कंटिन्यू मिलते रहेंगे. सेशन को मैं यहीं पे एंड अप कर रहा हूँ. एंड इफ यू एंजॉय द वीडियो, इफ यू लर्न समथिंग, देन यू डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल और जुड़े रहिए हमारे साथ. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच.